पीरियोडिक टेबल आवर्स सारणी कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यूटी में अपन आज भी रेडियस को चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों सर इतना रेडियस को क्यों खींच रहे हो, काफी वीडियोस आ गए रेडियस में, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है रेडियस, किस रेस्पेक्ट में? देखो आगे वाली तीन और पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, वो भी रेडियस पे ही डिपेंड करती है, तो इसको चर्चा में ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आज अपन लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल सर क्यों, क्योंकि यार बिना एग्जाम्पल फील नहीं आती, या जो चीज समझा है उसको जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे तब तक मजा नहीं आता पढ़ने में। और वैसे बच्चों की डिमांड है सर और एग्जाम्पल डिस्कस करो, प्रैक्टिस चाहिए हमें, और करेंगे, जरूर करेंगे। तो कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेते कुछ एग्जाम्पल के। हाँ जब मैं एग्जाम्पल दू बोर्ड पे, आप लोग क्या करोगे, जब एग्जाम्पल सारे दे दूँ तो वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, और फिर अपने आप से खुद से ट्राई करेंगे, फिर वापस वीडियो कंटिन्यू करके देखना आपको कितने सही है कितने गलत है, और बताएं यार कमेंट बॉक्स में आप कितने सही कर पाते हो, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं, पहले अपन ट्राई कर रहे हैं, आप प्लीज बताएं मेरे को आप कितने सही कर पाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गिव द ऑर्डर ऑफ रेडियस, गिव द ऑर्डर ऑफ रेडियस। अब इस ऑर्डर में आप चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आपको अच्छा लगे उस तरह का ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है, अब मैं एग्जाम्पल लिखता जा रहा हूँ वन बाई वन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। सेकंड में है, सेकंड एल्यूमिनियम हो गया, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर एंड फिर क्लोरीन, इनका ऑर्डर दो। फिर अपन चर्चा करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, थर्ड में लेते हैं लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये क्लोरीन है, ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, इसका तो हो गया, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन एंड जीनोन, रेडोन मिले तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिक्स पे अपन लोग लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाले फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। और सेवंथ एग्जाम्पल लेते हैं, इससे जस्ट पहले वाला ग्रुप ले लो, कार्बन, सिलिकन, टिन, प्लम्बम, लेड बोल दो। और उसके बाद में सेवंथ एग्जाम्पल, एट्थ एग्जाम्पल लेते हैं, इससे पहले वाला ग्रुप ले लो, अच्छा एक एलिमेंट रख दिया क्या, सॉरी एक एलिमेंट बीच में रह गया था ना, जर्मेनियम रह गया था, और ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, टेल्यूरियम, इंडियम, फिर टेल्यूरियम, ठीक है। उसके बाद में एट्थ एग्जाम्पल, नाइन्थ एग्जाम्पल लेते हैं एम एन, एम एन प्लस टू, एम एन प्लस फोर एंड एम एन प्लस सेवन, ठीक है, प्लस फाइव, जो भी लोग भी जो आपको अच्छा लगे, पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था मेरे को, ठीक है। उसके बाद में नाइन्थ के बाद में टेंथ, टेंथ एग्जाम्पल रखते हैं अपन स्कैंडियम वाला ले लो, कुछ डी ब्लॉक वाले ले लेते हैं ना, स्कैंडियम ले लेते हैं, यट्रियम ले लेते हैं और लेंथेनम ले लेते हैं। और इलेवंथ एग्जाम्पल अपन लोग ले लेते हैं इसी के जस्ट पास वाला ग्रुप, दैट इज टाइटेनियम एंड हाफनियम एंड जिरकोनियम, ठीक है। अब इनको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करता है, चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन अब वीडियो को पॉज करो और जो आपको सही आंसर, करेक्ट आंसर लगे उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले ऑर्डर करते हैं ट्राई, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं, तो देखो ये लेफ्ट टू राइट जाने का ट्रेंड नहीं है क्या, और लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, कम होती है, तो ऑर्डर याद आएगा। फिर सेकेंड वाले हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, तो जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, घटती है, ठीक है। उसके बाद में देखो टॉप टू बॉटम वाला नहीं होगा क्या, टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, फिर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, फिर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, फिर ये भी टॉप टू बॉटम है, एक ही ग्रुप के बंदे हैं सारे के सारे, टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप के बंदे हैं सारे, फिर भी टॉप टू बॉटम एक ही बंदे हैं ग्रुप के सारे, लेकिन 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 ये एक्सेप्शनल केस है। अरे इनऑर्गेनिक का मतलब ही एक्सेप्शनल केस है, ठीक है।
अभी देखते हैं कि एक्स सबसे नया चर्चा करते हैं, इसका सही ऑर्डर क्या और क्यों है वो चर्चा करते हैं, ठीक है? फिर चर्चा करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, Mn+7 का सबसे कम, और ये भी टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप के बंद है, और टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, और फिर टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है? लेकिन इसमें से एक और गलत है अभी भी, दैट इज लास्ट वन, 11th भी गलत है। सर इसके एग्जैक्ट सही ऑर्डर क्या है पहले ये चर्चा करो, फिर वो क्यों है उसकी चर्चा करो। करते हैं, इसमें चेंज बस इतना सा है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है किससे, गैलियम से। देखते हैं कैसे इसका ऑर्डर क्या आएगा, बोरोन फिर आ जाएगा गैलियम, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर इंडियम थेलियम हेजे से ले जाएंगे, ठीक है? और ये क्यों हुआ एक्सचेंज बताता हूँ। नेक्स्ट वन क्या है, इसमें क्या होता है, टाइटेनियम सबसे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाफमियम एंड जिरकोनियम ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, या 1 पिकोमीटर का फर्क होता है इनमें, सेम साइज के होते हैं। अब इसमें चेंज क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों ग्रेडियंस और इनमें यहाँ पर, इन दोनों का कारण क्या है सर, ये चेंज क्यों हुए? तो इनका कारण एक का है, एक का कारण क्या, सुनना अगली हेडिंग है, ध्यान रखना अगला वीडियो उसमें बनेगा और बहुत शानदार वीडियो बनने वाला है। अगला क्या क्या कारण है इसका, एक का कारण है ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। पहले वाले कारण क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, जबकि दूसरे वाले कारण क्या, लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन। हिंदी में बोलते हैं संक्रमण संकुचन और दूसरे को बोलते हैं लेंथेनोइड संकुचन। तो दोनों संकुचन सीखने हैं और वहां जाके फील आएगी एक्चुअली क्या हुआ। एक्चुअली एल्यूमिनियम जो है वो जो छोटा नहीं वो बड़ा नहीं हुआ, एक्चुअली गैलियम छोटा होकर वो आगे आ गया, गलती एल्यूमिनियम निकली वो बड़ा होकर आगे चला गया, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती किसकी, गलती किसकी, गैलियम की। गैलियम बेचारा जो है गेला हो गया, आगे आगे छोटा हो गया, क्यों भाई, क्योंकि इसके आगे ट्रांजिशन एलिमेंट आ गए, संक्रमण तत्व आ गए, संक्रमण तत्व को जादू किया, उस जादू की वजह से इसको नुकसान झेलना पड़ा और आगे आ गया। और रहा जिरकोनियम और हाफमियम, आपको पता है जिरकोनियम और हाफमियम में लैंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन आता है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन मतलब इससे जस्ट पहले जो हाफमियम होता है, इससे जस्ट पहले लैंथेनोइड आ जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत आती है। चर्चा करते हैं क्या होता है सर, क्यों होता है, सारी बात डिस्कस करेंगे और किस तरह से होता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाए, ग्रुप पे जाए, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है, और शेयर करना ना भूले आप लोग, ठीक है।